वेलकम बैक टू तनुजा बुटीक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन तरीके से पाइपिंग लगाना सीखेंगे। यहाँ पर मैं तीन मिनट में आपको तीन तरीका, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। बस इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हमें एक इंच की, मैंने यहाँ पर उरेप पट्टी ली है, आपको उरेप पट्टी लेना है गले में लगाने के लिए। बहुत ही आसान तरीके हैं, इसी तरीके से गले में पाइपिंग लगाई जाती है। इसको हम ऐसे रखेंगे बराबर, और यहाँ पर हम जस्ट किनार के पास इसमें एक सिलाई लगाएंगे। इसे सिलाई लगाने के बाद हमें इसको अंदर की ओर पलटना है कपड़े को। यहाँ पर आप कपड़े को जैसे खींच के लेंगे उस तरीके से इतनी ही पतली पाइपिंग बनेगी जितना आप अंदर से कपड़े को खींच के लेंगे। अब हमें जो सिलाई लगाना है वो पाइपिंग के पास लगाना है, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाना है। इस तरीके से हमने एक पहले वाला तरीके से हमने पाइपिंग लगाई। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें डेढ़ इंच में उरेप कपड़ा लेना है और इस कपड़े को आपको इस डबल कर देना है। डबल करने के बाद में आपको ऐसे सिलाई लगाना है इसमें भी किनार के पास। इस कपड़े को भी आप उसी तरीके से अंदर की ओर इसको पलट के ने जितना चाहें आप कपड़े को थोड़ा खींचेंगे तो और पतली होगी आपको। अगर आपको मोटी पाइपिंग चाहिए तो आप थोड़ा इसको लूज़ रख सकते हैं। दोस्तों, और भी मेरे वीडियो हैं जिसमें नेक डिज़ाइन के, कुर्ती कटिंग के, सलवार कटिंग के, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए, इस तरीके से हमने दूसरा पाइपिंग लगाने का तरीका देखा है। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहले गले को बना लिया है कैनवास या बुकरम में, उसके बाद 1.25 इंच की मैंने यहाँ पर पूरे कपड़ा लिया है। ये तरीका जो है ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा तरीका है। इसमें भी फिनिशिंग से पाइपिंग बनती है। आप अंदर एक डोरी ले सकते हैं और ये जो मैंने ये घोड़ा या बूट जो हमने चेंज किया है, ये सिंगल बूट यूज़ कर रहे हैं, इससे ये पाइपिंग इससे ही बनती है, डबल घोड़े से नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर हमें जस्ट इसके किनार पर ही सिलाई लगानी होती है जो हमने डोरी ली थी अंदर। उसके बाद में हमें इसे नीचे की ओर रखना है। जस्ट इसको हम इसके पास में ही रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके में थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा और फिनिशिंग से बनती है। इसमें गला पहले बनाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।